हेलो फ्रेंड्स, दस्तर खाने वर्सिया में आप सभी का स्वागत है। मैं शाहिदा वर्सिया। तो आज हम बना रहे हैं मटन पाया सूप। ये बीमारों को पिलाया जाए तो बहुत जल्दी उनकी सेहत अच्छी हो जाती है। तो इसे कैसे बनाया जाए मैंने बहुत आसान तरीके से आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए झटपट से इसे बनाना शुरू करते हैं। चार पाया ली हूँ मैंने, इसमें चार गिलास पानी डाला है और इसमें मैं डाल रही हूँ एक टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट, एक छोटी प्याज, इसको बस ऐसे ही छोड़ देंगे। और यहाँ पर आधे से थोड़ा ज़्यादा नमक ले रही हूँ मैं, क्योंकि अभी ये पानी जल के कम हो जाएगा। कुछ ड्राई फ्रूट, ये गरम मसाले हैं, एक बड़ी इलायची है, दालचीनी है, यहाँ पे काली मिरी है, बादियान का फूल है, दो चार लौंग है और एक ये जावित्री का आधा फूल है। सबको डाल देते हैं। इसी के साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा ऑयल। तो बस अब इसको मैं सीटी लगा देती हूँ और इसको एक सीटी आने के बाद मैं इसको एक घंटा पकने को रखूँगी। तो यहाँ पर हमने खोलकर देखा है तो इस तरह से इसका अभी क्वांटिटी देखिए आप कैसे बच गई, क्योंकि हमने चार गिलास पानी में इसे इतना पकाया, डेढ़ घंटा पकाया धीमी आंच पर एक सीटी आने के बाद। तो अब ये समझ लीजिए दो गिलास बचा है पक पक के। और देखिए कितना प्यारा सा इसका, देखिए हड्डी भी छूट गई है गोश्त की और प्याज वगैरह सब खिल खिल के अलग अलग हो गए हैं। तो इस तरह से ये बहुत बेहतरीन गल चुका है। यहाँ पे मैंने लिया है दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, इसमें हल्का सा पानी मिला देंगे और इसका घोल तैयार करेंगे अच्छे से। ये हो गया हमारा घोल रेडी। और अब यहाँ पर हमारा देखिए कितना अच्छे से ये बॉईल आ रहा है। तो बस इसी में हम इसको धीरे धीरे डालेंगे और चलाते जाएंगे। ये देखिए अब हो गया है, ये थोड़ा सा इसमें गाढ़ापन आ गया है तो ये सूप पीने लायक एकदम हो गया है। इस सूप में कभी भी मिर्च पाउडर का इस्तेमाल मत करिए, ना ही हरी मिर्च का इस्तेमाल करिए, क्योंकि इसमें हम काली मिर्च को जितना ज़रूरत है बस उतना ही डालेंगे, क्योंकि बीमार और जो कमज़ोर होते हैं उनको मिर्च की ज़रूरत नहीं होती। बॉयल भी आ गया उसके बाद भी ये इतना अच्छा, कॉर्नफ्लोर डालने के बाद भी ये पक चुका है। तो इसको गैस को अब करेंगे बंद, क्योंकि ये अब ये इतना ही गाढ़ा रहना चाहिए। तो इसको मैं अब सर्व कर लेती हूँ। तो आपने देखा पाए के सूप को बनाना कितना आसान है ना, बस इसमें वक्त लगता है। इसे गलने दीजिए, जितना ज़्यादा आप गलाएंगे उतना ज़्यादा इसका जूस बाहर आ जाएगा। तो पाए का सूप जो है बीमारों को दिया जाता है, इसलिए जब भी वो ताज़ा बने तभी दिया जाए, उसे बार बार गर्म कर करके मत दीजिए। इस तरह से उसे नहीं, हफ्ते में एक बार भी आप दोगे तो भी उसको वो फ़ायदा होगा और ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो इसे इस तरह से आसान तरीके से सीखिए और ज़रूर पिलाइए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो इसके ऊपर मैं डाल रही हूँ यहाँ पर ज़रा सी काली मिरी, ज़रा सा धनिया की पत्तियाँ, बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ ना डालें तो अच्छा ही है, क्योंकि क्या है जो पिएगा वो अच्छा भी लगना चाहिए ना। और थोड़े से दो चार ड्रॉप नींबू के और इसे कर देंगे मिक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारा ये सूप रेडी है, पाए का सूप। ये बीमारों को दीजिए तो बहुत जल्दी उनकी तबीयत अच्छी हो जाएगी। तो कैसी लगी आपको हमारी ये रेसिपी हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, लाइक दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।